वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इंटरप्ट क्या होती है और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। उसका ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन देखेंगे आज। उससे पहले अपन सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है उसको अपन कह सकते हैं एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो वी कैन से अ प्रोग्राम इज सिंपली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, जब अपन किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या क्या होता है? द प्रोसेस रीड द एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो सबसे पहले प्रोसेसर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और इसको अपन बोलते हैं फैच करना, फैचेस। देन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन आफ्टर रीडिंग और आफ्टर द फैच इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। और देर मे बी अ सेवरल ऑपरेशन, और अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन उसके लिए अपन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फैच करके एग्जीक्यूट करना होता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था कि पहले फैच किया, उसको एग्जीक्यूट किया और वापस स्टार्ट में आ गए और उसके इंस्ट्रक्शन हो तो अपन और उसको रीड करके एग्जीक्यूट करते हैं। सिमिलरली स्टार्ट से अपन फैच किया इंस्ट्रक्शंस को, देन इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर अपन को कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस या अपन कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई भी डेटा अपन को चाहिए, कि आप मैं जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इंस्ट्रक्शन वो होल्ड होगा और होल्ड होकर डेटा वहाँ से रीड होगा और वापस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा ये वापस प्रोसेस कहाँ चल जाएगा आपका स्टार्ट पे। तो सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल थी कैसे ये वर्क करता है। एग्जीक्यूशन साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो एग्जीक्यूशन साइकिल है ये डिपेंड करती है किस टाइप का ऑपरेशन अपन कर रहे हैं। तो हर ऑपरेशन के लिए जो एग्जीक्यूशन साइकिल का जो पर्टिकुलर पीरियड है ये डिपेंडिंग ऑपरेशन बाय ऑपरेशन। रेफरेंस टू द मेमोरी कैन बी वन और मेमोरी। इट मीन्स जो अपन मेमोरी से रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ रेफरेंस टू द मेमोरी इंस्ट्रक्शन कैन बी स्पेसिफाई एंड पुट आउट ऑपरेशन। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी को रेफरेंस करे या फिर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करे। नाउ दैट इज सिंपल, वी कैन से ये जो अपन पढ़ रहे थे अभी इट्स सिंपली इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन को रीड करना, फैच करना जिसको अपन बोल रहे हैं, एग्जीक्यूट करना, वापस स्टार्ट पे चले जाना, और ड्यूरिंग द फैच एग्जीक्यूशन अगर कोई डेटा चाहिए तो उसको अपन हॉल्ट कर देते हैं। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट क्या है। तो इंटरप्ट अगर मैं बेसिक भाषा में अगर आपको बोलूँ, सिंपल सा अपने एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सपोज यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑन योर पर्टिकुलर डिवाइस, फोन और लैपटॉप और एनीथिंग लाइक दैट। तो आप वीडियो देख रहे हैं और ड्यूरिंग द वीडियो सपोज आपके घर में किसी ने आपको आवाज़ दी कि सपोज हेलो प्लीज़ कम टू मी एंड डू दिस वर्क, आप मेरे पास आइए और ये काम करिए। तो आप क्या करोगे, अपने वीडियो को पॉज करोगे, वो काम करके आओगे और काम करके आके वापस उस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ से आपने उसको पॉज किया था। तो कॉन्सेप्ट इज दैट यहाँ पे ये मान लो कि जो सीपीयू है वो आप हैं, तो आप एक तरीके से सीपीयू हैं। आपके हाथ में टास्क क्या है, वीडियो को वॉच करना। ड्यूरिंग द वॉच आपके फैमिली मेम्बर ने आपको कॉल किया, दैट इज एन इंटरप्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरप्ट। इंटरप्ट इट मीन्स बाधा, रुकना, रुक जाओ। इसमें इंटरप्ट किया, फिर उन्होंने क्या बोला, इस काम को छोड़ो और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काम करिए। आप उस काम को करोगे, इस काम को आपका कर दोगे, पोस्ट कर दोगे, वो काम आप करके आओगे। वो काम करने के बाद वापस आप कहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ पे जो काम आप छोड़ के गए थे, तो वापस आप क्या करोगे, वीडियो को देखने ले जाओगे। तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट का। सिमिलरली सीपीयू के हाथ में कोई काम होता है, अगर इंटरप्ट जनरेट होती है तो सीपीयू उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ के इंटरप्ट जिसके लिए जनरेट हुई है वो काम करके वापस आता है और आप जहाँ पे उसने उस काम को, पुराने काम को छोड़ा था, उससे स्टार्ट करता है। इट इज अ सिंपली वी कैन से इट इज अ इंटरप्ट। थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। इंटरप्ट इज अ मैकेनिक बाय विच मॉड्यूल्स लाइक इनपुट आउटपुट और मेमोरी मे बी इंटरप्ट द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू। तो क्या हो गया, नॉर्मल प्रोसेसिंग सीपीयू की इंटरप्ट हो सकती है, लाइक मॉड्यूल इनपुट आउटपुट और मेमोरी लाइक दैट। इट रिक्वायर टू इम्प्रूव द प्रोसेसर एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोसेसर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये आपका कंप्यूटर है, इसने किसी को प्रिंट कमांड दे दिया, माना कि 200 पेजेस प्रिंटर के अंदर, इसको बोल दिया कि आप 200 पेज को प्रिंट करो। तो क्या सीपीयू जब तक ये प्रिंट नहीं होगा तब तक इसको देखता रहेगा क्या ये प्रिंट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है? नहीं देख सकता ना।
तो ये क्या करेगा, इसको एक कमांड दे देगा कि भाई आप इसको प्रिंट कीजिए, तो प्रिंटर अपना काम करेगा, देन सीपीयू वापस फ्री हो जाएगा और वो अपना काम करने लग जाएगा, और प्रिंटर को बोलेगा जब आपका काम हो जाए आप मुझे मैसेज कर दें कि मेरा प्रिंटिंग का जो काम था वो हो चुका है, ताकि मैं जो यूज़र है उसको एक्नोलेज कर दूँ कि ये जो प्रिंटर है वो प्रिंटिंग जो है वो डन हो चुकी है। दैट इज़ एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट नहीं होता तो सीपीयू जब तक आपका ये जो प्रिंटिंग के 200 पेजे नहीं निकल जाते तब तक ये सीपीयू इंगेज रहता, लेकिन इंटरप्ट के कारण ये इंगेज नहीं रहेगा, इसको काम किया देन वापस बैक टू द इट्स ओन वर्क, और जैसे हो जाएगा एक इंटरप्ट जनरेट होगी कि मेरा काम हो चुका है। सो इंटरप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन से इंटरप्ट इंप्रूव द प्रोसेस एफिशिएंसी। मोस्ट एक्सटर्नल डिवाइसेज आर स्लोवर देन द सीपीयू, इफ नो इंटरप्ट्स द सीपीयू वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वेटिंग फॉर दिस एक्सटर्नल डिवाइसेज टू मैच, इट इज सिंपली मैच अप विद द सीपीयू स्पीड। सो इट इज अ मैच अप विद द सीपीयू स्पीड। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज अगर ये बोल दे सपोज ये कंप्यूटर है, ये इसके पास 10 टास्क हैं, ठीक है, इसकी स्पीड माना कि मान लो कि इस फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड एक्स है काम करने की, या कोई टास्क जो डिवाइसेस है उसकी स्पीड एक्स है, और ये आपका सीपीयू इसकी स्पीड वाई है, माना कि वाई स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसके साथ काम कर रहा है एक्स के साथ और एक्स की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो क्या जब तक एक्स काम नहीं करेगा तब वाई उसी को फॉलो करता रहेगा? नहीं, उससे क्या होगा, उसकी स्पीड रिड्यूस होकर एक्स के बराबर हो जाएगी, जबकि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, वाई के बराबर। तो वाई स्पीड होने की वजह से ये क्या करेगा, एक सिंपल सा इंटरप्ट जनरेट करके एक्स, जैसे कि एक्स का काम आएगा उसको काम असाइन कर देगा, देन ये नेक्स्ट काम में अपना इन्वॉल्वमेंट कर देगा, ताकि क्या होगा इसकी स्पीड जो है, सीपीयू की स्पीड जो है वो वेस्ट ना हो। सो दैट इज वाई वी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरप्ट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल, अब अपन देखते हैं इंटरप्ट और इंस्ट्रक्शन साइकिल का बेसिक क्या फंडा है, लेट हैव अ लुक। सो वर्चुअली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस में इंटरप्ट द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं, जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो वो भी एक इंटरप्ट जनरेट हुई है, वो प्रोसेसर के पास इंटरप्ट जाएगी और वो इंटरप्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मैं डिस्प्ले ऑन कर रहा हूँ, डिस्प्ले ऑफ कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम प्ले कर रहा हूँ, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज ऑल जनरेट एन इंटरप्ट, और इंटरप्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो दैट इज सिंपली एन इंटरप्ट। ऑन दिस अकाउंट एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड। तो क्या हो गया, सपोज सीपीयू कुछ काम कर रहा था और इनपुट डिवाइस ने कोई इंटरप्ट किया, तो सीपीयू क्या करेगा, अपना जो पर्टिकुलर करंटली एग्जीक्यूशन है उसको क्या कर देगा, वो सस्पेंड कर देगा। देन कंट्रोल गेट ट्रांसफर टू द इंटरप्ट सिग्नल। अब वो जो सीपीयू जो काम कर रहा था वहाँ से उसका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इंटरप्ट सिग्नल के पास। ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंटरप्ट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही इंटरप्ट जहाँ से जनरेट हुई थी वो टास्क कंप्लीट हो जाता तो वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से उसने सस्पेंड किया था पुराने कार्य को, उसको क्या कर देगा, ये रिज्यूम कर देगा। तो ये इंटरप्ट क्या हुई, जनरेट हुई, इंस्ट्रक्शन साइकिल जहाँ चल रही थी उस, अब इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरीके से चेंज होगी, जो काम एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको सस्पेंड किया, इंटरप्ट जहाँ से जनरेट हुई थी उसका काम किया, और काम करके वापस कहाँ गया, जहाँ से उसने काम को सस्पेंड किया था। टू सर्व दिस पर्पज एन इंटरप्ट साइकिल इज एडेड टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हो रही है इस काम को करने के लिए, किस काम को करने के लिए, सस्पेंड किया, इंटरप्ट काम को किया, वापस आया और सस्पेंड को रिज्यूम किया, अपन क्या ऐड कर देंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसलिए पिछली साइड में जो बताया था उसके अंदर इंटरप्ट साइकिल नहीं था, तो अभी अपन इंटरप्ट साइकिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि अपन किसी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सस्पेंड कर सकें और दूसरे काम को एग्जीक्यूट कर सकें, दैट इज सिंपली एन कॉन्सेप्ट। सो ये अगर मैं डायग्राम बताऊँ तो सेमली पुरानी जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या देखेंगे, वही स्टार्ट हुआ, फेच द इंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये आपका सेम, ये जो डब्बे हैं तीन, स्टार्ट किया, फैच किया, एग्जीक्यूट किया, बोथ आर थ्री आर सेम। और यहाँ देखें, अगर सिंपल सा अगर अपन इस पोर्शन को अगर छोड़ दें तो ये पूरा डायग्राम पुराने जैसा है, इंस्ट्रक्शन फैच किया, रीड किया, एग्जीक्यूट किया, उसको कोई डेटा किया तो होल्ड करके इसने डेटा लिया, वापस एग्जीक्यूट किया और वापस ही ख़त्म करके कहाँ चला जाएगा, ये वापस स्टार्ट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन ने एक और चीज़ लिख दी, चेक द इंटरप्ट। चेक द इंटरप्ट का मतलब क्या, अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होती है कब, जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है तो इंटरप्ट को चेक करेगा। जैसे अगर इंटरप्ट होती है तो क्या होगा, देखो ये इंटरप्ट इनेबल,
अब इनेबल डिसेबल क्या है, कोई प्रोग्राम के टास्क कैसे होते हैं जिसको कोई भी इंटरप्ट होने पर वो होल्ड नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट डिसेबल। और इंटरप्ट इनेबल का मतलब अगर उसका एग्जीक्यूशन बीच में होल्ड किया जा सकता है और दूसरे एग्जीक्यूशन को परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट इनेबल। तो दैट इज इंटरप्ट इनेबल एंड डिसेबल कॉन्सेप्ट। जैसे इंटरप्ट कोई आई तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इसका छोड़ेगा, जो इंटरप्ट आए उसको लेगा और उसके अपना एग्जीक्यूशन करेगा और वापस कहाँ चला जाएगा, ये स्टार्ट में चला जाएगा। तो आपकी इंटरप्ट साइकिल यहाँ से आई और इंटरप्ट अगर आई तो यहाँ से इसने एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर इंटरप्ट डिसेबल है, डिसेबल होने का मतलब क्या हो गया, इंटरप्ट नहीं ले रहा है अगर इंस्ट्रक्शन, तो क्या करेगा, बिना इंटरप्ट लिए अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और वापस कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट में चला जाएगा। तो कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, देखो पुराना था सेम वैसा ही है, पर अपन इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया, अपन ने एक इंटरप्ट साइकिल इंट्रोड्यूस की। इंटरप्ट साइकिल में क्या हुई, अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है और इंटरप्ट इनेबल एग्जीक्यूशन है तो जैसे कोई इंटरप्ट आएगा ये होल्ड हो जाएगा और वो जो इंटरप्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग काम कंप्लीट होगा और वापस अपन का चले जाएंगे स्टार्ट, और स्टार्ट से जो काम आपका हो रहा था वापस रिज्यूम हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन साइकिल थी, यहाँ से ये जो प्रोसेस होता है इट इज सिंपली एग्जीक्यूशन साइकिल, और यहाँ से ये जो प्रोसेस होता है दैट इज अ इंस्ट्रक्शन साइकिल। और ये आपकी फैच साइकिल है, डेटा को फैच करना रीड करना अपन सिंपली कह सकते हैं इट इज अ फैच साइकिल। सो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इंटरप्ट क्या होता है समझ में आई होगी और इंस्ट्रक्शन साइकिल या इंटरप्ट साइकिल क्या होती है समझ में आएगी। इट वॉज सिंपली अ बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे अपन और देखेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे मैनेज करता है इंटरप्ट को सीपीयू में अलग अलग इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वारी देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर यूर क्वेश्चन। थैंक यू।